पांच राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम आदि में, साथ ही साथ तेलंगाना, इन पांच राज्यों में विधानसभा की चुनाव संपन्न हुई। अब 24 घंटा भी नहीं बचा कि पांचों राज्य की गिनती होगी और रिजल्ट सामने आवेगा। लेकिन इस रिजल्ट के आने के पहले मीडिया कर्मियों ने आम लोगों के बीच ताजा सर्वे परोसने का काम किया। क्यों न परोसे ताजा सर्वे, लोग भी काफी इंटरेस्ट लेते हैं। लोगों की आदत हो गई है कि गिनती से पहले उतार चढ़ाव सर्वे देखा जाए। उसका लाभ मीडिया कर्मी को मिलता है, टीआरपी बढ़ता है। हम और आप गिनती होने का इंतजार नहीं करते, लेकिन सर्वे करने वाले के सर्वे को बड़ा चाव से देखते हैं। कोई किसी को जीता रहा, कोई किसी को हरा रहा, वोट देती है जनता, रुख देखा जाता है जनता का। कौन सरकार कितनी काम करी, कौन सरकार क्या वादा किया, क्या सरकार की प्राथमिकता थी और सामने वाले की क्या मैनिफेस्टो है, यह देखकर जनता फैसला करती है। लेकिन सर्वे करने वाले, ताजा सर्वे रिपोर्ट परोसने वाले तरह तरह के भ्रम फैलाते हैं। उन भ्रम में नहीं फंसना है। कल के दिन गिनती हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा क्या भाजपा जीत रही है, क्या कांग्रेस जीत रही है, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। मैंने भी कुछ सर्वे आपको दिया था, लेकिन कल की बात अब अलग बात होगी। मैं बताऊं आपको कि कांग्रेस के कमलनाथ ने अपने सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, प्रवक्ताओं को मुस्तैद रहने के लिए कहा है। कमलनाथ ने स्पष्ट किया है कि भाजपा हार रही है, सरकार हमारी बन रही है, आप सब बूथ पर मुस्तैद रहेंगे। जहां गिनती हो वहां आशंका है कि प्रभाव में कलेक्टर को लेकर वहां जो कैंडिडेट कम मार्जिन में जीत हार रहे हैं, वहां भाजपा खेल न कर दे और जीते हुए को हरा कर हारे हुए को जिता न दे। इसलिए कांग्रेस को डर है कि सत्ता का प्रयोग भाजपा कर सकती है, इसलिए कांग्रेस डरी सहमी भाजपा के इस खेल से दिख रही है। कमलनाथ ने तो स्पष्ट कर दिया, वीडियो जारी करके लोगों से अपील कर दी, और कांग्रेस के अन्य लोगों ने भी यह आशंका जताई है कि अंदर में गोलमाल हो सकता है, इसलिए मुस्तैद रहे। चूंकि सरकार भाजपा की है, ईडी, सीडी, सीबीआई, सीआईडी सब उनकी है और वो इसका प्रयोग बखूबी करते हैं, तो क्यों न डरे विपक्षी पार्टियां कि कहीं कलेक्टर को मिलाकर कम मार्जिन में जीतने वाले को हरा दे, हारने वाले को जिता दे। यह डर है कांग्रेस को। अब देखना है कि जनता का मत मिलने के बाद कौन उम्मीदवार जीतते हैं, कौन हारते हैं। लेकिन जिस तरह प्रचार हुआ कि खेला हो सकता है, कांग्रेस डरी हुई है, इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को काफी 24 में नुकसान होने की आशंका है। 24 के चुनाव का इस पांच राज्यों का क्या असर पड़ेगा जीत हार से, यह तो वक्त रहते ही पता चल पाएगा। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24, मैं विवेक। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।